नए वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल की बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आईटी ट्रिक्स एंड टिप्स उर्दू हिंदी में आप सबका वेलकम है। फ्रेंड, आज मैं आपको मोबाइल के ऐप्स के बारे में बताऊंगा। ये मेरी मोबाइल की पहली वीडियो है, तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो आप सब्सक्राइब कर लें, आईटी ट्रिक्स एंड टिप्स उर्दू हिंदी। इसमें ये आज मोबाइल की टिप मैं आपको बताऊंगा। ये देखें, इसमें बहुत सारी वीडियो हैं, तो चलने चलते हैं मैं आपको बता दूँ। तो आज की जो वीडियो है मैं बताऊंगा आपको कि आप अपने मोबाइल के मेमोरी जो है, जैसे आपके बिल्टन मेमोरी होती है हर मोबाइल की 16 GB, 32 GB या 8 GB, तो अक्सर कोई डेटा होता है तो वो कम पड़ जाता है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़्यादातर पिक्स या वीडियो वगैरह डाउनलोड करते हैं, तो यानी हमारी को मेमोरी कम पड़ जाती है मोबाइल में। तो आज मैं आपको एक ऐप बताऊंगा जो आपको 100 GB बिल्कुल फ्री में देगा, जो 100 GB में आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं संभाल के। तो उसे तो मैं आपको अभी प्ले स्टोर में जाके उसका नाम लिख के भी बता देता हूँ। ये देखें, ये आगे प्ले स्टोर में फ्रंट पे ये 100 GB फ्री, इस पर आपने क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेना। ये मेरे पास पहले से डाउनलोड है, तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ओपन होने से पहले ये आप, अगर आप न्यू हैं तो मैंने तो इसमें ऑलरेडी लॉगिन हुआ हूँ। अगर आप लोग इसमें अकाउंट बनाएंगे तो आपने जीमेल का एक अकाउंट बना लेना, उसके बाद ये आपके पास इस तरह से शो हो जाएगा, लॉगिन हो जाएंगे आप। तो कोई इतना मुश्किल नहीं है लॉगिन होना, आसान है। तो ये देखें, अभी मैंने, मेरे पास 100 GB अभी पड़ी हुई है। मैंने एक पिक्स का बैकअप बनाया था, तो मेरे पास ये इतनी यूज़ की है मैंने, यानी 761 KB। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह यूज़ करते हैं इसको। तो आप लोगों ने करना क्या, इस तरह से आएगा ये, आप लोगों ने अपने जोन से भी आपको इसमें डेटा रखना है तो उसका बैकअप बनाना है, तो बैकअप इसमें बहुत आसान बनाना है। तो आपने जस्ट यहाँ पर बीच में क्लिक करना है। बीच में क्लिक करने के बाद आप लोगों ने ये देखें, फ़ोटो, डॉक्यूमेंट, वीडियो, म्यूज़िक आएगी। तो आपने जस्ट यहाँ कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ ऐड फाइल है नीचे, तो ऐड फाइल पे आपने क्लिक करना है। ऐड फाइल पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने वो फोल्डर ढूंढना है या वो चीज़ ढूंढनी है जो आप अपने बनाना चाहते हैं बैकअप, जिस चीज़ का आप बैकअप बनाना चाहते हैं। तो मैं अभी आपको ढूंढ के दिखाता हूँ। मैं तो मैं जो है ना पिक्स का बैकअप बनाऊंगा, मेरे पास पिक्स पड़ी हुई हैं तो उसका बैकअप बनाऊंगा। तो फोल्डर में ढूंढ लेता हूँ। ये देखें, इसमें DSLR में फोल्डर है, कैमरे के फोल्डर में ये कुछ तस्वीरें हैं मेरे पास जो मैं इनका बैकअप बनाना चाहता हूँ। तो इन दोनों को मैंने कर लिया सिलेक्ट, और ऊपर कोने में सिलेक्ट का ऑप्शन आ गया। अब ये देखें, नीचे सिलेक्ट हो गई, शो बैकअप प्रोसेस आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर दें। ये देखें, आपका बैकअप बन रहा है। ये देखें, आपका बैकअप बन चुका है। ठीक है फ्रेंड, आपका बैकअप बन चुका है। उसके बाद आपने यहाँ इस पर जाना है, ये स्टेटस के बराबर में जो तीन बार नज़र आ रहे हैं इस पर क्लिक करके आपने देखना है यहाँ पे अपना जो आपने बैकअप बनाया वो। माई फाइल में जाएँ, माई फाइल में जाने के बाद आपने ऑल फाइल पर क्लिक करना है, स्टोरेज में जाना है। स्टोरेज में जाने के बाद ये देखें, DSLR का मैंने फोल्डर बनाया था, एक मेरे पास पहले से बना था पिक्चर का, मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये वाली पिक्चर का बनाया था मैंने, तो मैंने अभी जो बनाया मैं वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये रही, समझ गए। और अगर समझ गया, आपका बैकअप बन चुका है। और अगर आप इसको जो है ना आपके मोबाइल में वो ये दोनों तस्वीरें डिलीट हो गई, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और ये स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये सारा बैकअप डाउनलोड जाएगा, यानी बैकअप में ये दो तस्वीरें, ये दोनों तस्वीरें डाउनलोड होकर आ जाएंगी। तो इसे कहते हैं बैकअप। और चाहे तो एक तस्वीर भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इसको चाहे तो आप शेयर भी कर सकते हैं। ये देखें, शेयर, अगर आपने फ़र्ज करें दूसरा मोबाइल लिया, तो दूसरे मोबाइल के लिए आप इसको शेयर कर सकते हैं या सेंड भी कर सकते हैं। वो दूसरे मोबाइल में भी यही वाला ऐप्स उठा लेंगे आप, उसमें शेयर करके जब इसको आप खोलेंगे तो आपके पास आपका बैकअप सेफ होगा। तो फ्रेंड, आज की ये वीडियो थी, आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड, लाइक करें हमारी वीडियो और शेयर करें, और मज़ीद इस तरह से अपने मोबाइल ऐप्स की भी वीडियो आपको बताऊंगा, और आप कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपकी कोई डिमांड है वीडियो की तो मैं वो भी वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर